दोस्तों, परीक्षा प्लस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि हमारी टीम द्वारा जो लोअर का टेस्ट सीरीज चालू किया गया है, उसका पहला टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिसमें काफ़ी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। काफ़ी अच्छे स्कोर आए हैं बच्चों का। उनके स्कोर को देखते हुए हमें लग रहा है कि इनके जो बच्चे हैं, ये अपना ऐसे ही जो स्कोर है, आगे जितने भी टेस्ट हों अपना यही योगदान देते रहें। उसी को देखते हुए मैं आपके सामने जो पहला टेस्ट है उसका जो हिस्ट्री पोर्शन है आपका, उसका मैं सॉल्यूशन लेके आपके सामने आया हूँ। जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, काफ़ी आपके ऊपर ऊपर जो क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसी अकॉर्डिंग पूछा गया है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, कि कैसे एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ना कि आपसे कोई मैक्सिमम रटा हुआ फैक्ट्स पूछता है। उसी बेसिस पे ये पेपर बनाया गया था। उसी सॉल्यूशन को देखेंगे कि कैसे उसमें क्वेश्चन पुट किया गया है और कैसे आपको उसका आंसर कैसे कॉन्सेप्ट से निकालना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने था कि हिस्ट्री का, वो था कि रंगपुर सभ्यता, रंगपुर जो सभ्यता है वो किसके समकालीन है। तो आप लोग जब हड़प्पा सिविलाइजेशन, हिस्ट्री की जब एंशियंट की जब शुरुआत करते हो, तो सबसे पहले तो आप हिस्ट्री में हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हो, तो उसमें जितने भी उस समय खुदे गए जो प्लेस थे, आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि किसने किसको खोजा, हड़प्पा को किसने खोजा, मोहनजोदड़ो को किसने खोजा। वैसे ही एक जगह थी रंगपुर, जो गुजरात में पड़ती है, गुजरात के सौराष्ट्र जिले में पड़ती है, सौराष्ट्र आज भी मौजूद है, और वो स्थान जो है आपके कठियावाड़ा जिला में है, और कठियावाड़ा जिला वही है जहां मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था 17वीं बार, वहां सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। तो आपका जो आंसर होगा ये ए होगा, सौराष्ट्र। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किससे बनी होती है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में कई चीज़ें पाई गई थी, टेराकोटा का वो पाया गया था, ठीक, शंकर भगवान की मूर्ति पाई गई थी। तो ऐसे में एक क्वेश्चन पूछता है कि वहाँ जो मोहर बनी थी वो किससे बनी थी, किस उससे बनी थी, किस पत्थर से बनी थी। तो एक तरह का पत्थर होता है जिसका नाम होता है सेलखाड़ी, जिसे आजकल के जो होते हैं पाउडर बनते हैं और भी कुछ कीमती चीज़ें बनते हैं उससे, सेलखाड़ी पत्थर से। तो वो वहाँ से मोहर जो बनी थी वो सेलखाड़ी पत्थर से बनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि तीसरा क्वेश्चन, किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे। तो आप सभी लोग, ये बहुत फेमिलियर क्वेश्चन है, हर जगह आता ही आता है ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आप बोल सकते हो इसको। तो इसमें आपका जो आंसर होगा कि इसमें सिर्फ लोहे से लोग, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो है परिचित नहीं थे, लोहे का कोई साक्ष्य हड़प्पा में नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एंशियंट हिस्ट्री का ही है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहले बोला है कि पुलिस्क्लीन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था, ये बात सही है कि चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो पुलिस्क्लीन फर्स्ट था। हर्षवर्धन ने चालुक्य वंश पर आक्रमण किया था। इसमें जो डेट दिया है आपका 608 से लेकर 642 में, ये हर्षवर्धन ने आक्रमण तो किया था, ठीक, चालुक्य वंश पर, मगर ये जो डेट है आपका वो गलत दिया है, 618 से 619 के बीच में किया था, जहां पे पुलिस्क्लीन सेकंड से इसका सामना हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, और वहां पे हर्षवर्धन हार गया था और नर्मदा की संधि हुई थी, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा आपका। और तीसरा जो आपका है 608 में विक्रम आदित्य की मृत्यु हुई थी, तो ये आपका ये भी गलत है, विक्रम आदित्य की मृत्यु जो है 608 में नहीं हुई थी। तो इसलिए आपका जो पहला है स्टेटमेंट वो सही होगा। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आपको वही सेम चीज़ बताना है कि कौन सा कथन सही है। आपको क्वेश्चन पेपर में पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, और जिन्हें भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन की लिंक लगी हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें है कि 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर जब विश्व विजय होने निकला था, तो बोला जाता है, कुछ इतिहासकारों ने बोला है कि 20% धरती उसने, पूरे पृथ्वी का 20% जीत लिया था, और कुछ बोलते हैं कि मैक्सिमम उसने पूरे जितने भी राज थे उसने पूरा फतह हासिल कर ली थी। तो एक्चुअली हुआ कि जब वो अपना मैसिडोनिया का वो राजा था, आप सभी लोग जानते हो, तो जब 326 में वो आया, तो पहले बार जब भारत पे आक्रमण किया, तो हाइडेस्पेस का युद्ध हुआ, जहाँ पे पंजाब में पोरस के साथ हुआ था, और पोरस इससे काफ़ी संघर्ष पूरा लड़ा, और लड़ते लड़ते वो हार गया, क्योंकि जो आपकी अलेक्जेंडर की सेना थी वो काफ़ी बड़ी थी अपने पोरस के हिसाब से, मगर पोरस अपने अंतिम क्षण तक लड़ा, और जब हारा तो अलेक्जेंडर ने खुद कहा कि भाई तुमसे लड़के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, अब बताओ तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट किया जाए। तो उसने कहा कि मैं एक राजा हूँ, मुझे राजा की तरह ही ट्रीट किया जाए। तो उसकी जो राजधानी थी, उसका जो पौरव डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी पर उसने अपने लोगों को सिर्फ रखा, ना कि वहाँ पर राज किया, बोला कि तुम ही पोरस, तुम ही राज करो, तुम राजा की तरह रहना चाहते हो तो तुम ही राज करो यहाँ पे, बाकी हमारी जो सेना है, जो कर होगा, जो भी होगा, वो वसूली आप मुझे देते रहना।
ठीक। और अगला जो स्टेटमेंट इसमें दिया है तो आपका ये सही होगा कि 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और हाइड्रस्पेस का जो युद्ध हुआ था वो पोरस के साथ हुआ था। अगला जो है तक्षशिला के साथ साथ अम्बिक कुमार सिकंदर उसके स्वागत में जाके उससे मिल गया, मतलब अम्बिक कुमार जो तक्षशिला का शासक था, तक्षशिला में अम्बिक और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों लोगों ने शिक्षा प्राप्त की थी, मगर वो एक तरह से तक्षशिला का राजकुमार था और जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है किसी नीच वंश का था, जो अभी तक इसके कई इतिहासकारों ने माना है कि इसके अभी वंशों का पता नहीं चल पाया है। तो जो तक्षशिला का राजकुमार था इसने अपने गद्दी को पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी और तक्षशिला का राजकुमार बन चुका था। और वो जब जाना कि अलेक्जेंडर आ रहा है तो उसने पहले ही अपने तरफ से ही जाके अलेक्जेंडर से हाथ मिला लिया, संधि कर लिया कि भैया चलो तुम आक्रमण करो, बाढ़ बाढ़ के खाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये भी सही है आपका। अगला जो है 322 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हो गई, 332 ईस्वी में लिखा है, ये आपका पॉइंट गलत है। 332 नहीं, 323 ईस्वी में सिकंदर जो है क्या हुआ, वापस जब जा रहा था भारत से वो आक्रमण कर नहीं पाया था क्योंकि उस समय उसके जो सेना थी वो काफ़ी निर्बल हो चुकी थी कुछ रोग के कारण, कुछ भूख प्यास के कारण, तो इसलिए उसे वापस जाना पड़ा और उसकी भी तबीयत खराब थी सिकंदर की। तो रास्ते में जाते जाते 323 में बेबीलोन एक जगह पड़ता है जहाँ पे सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो ये जो आपका लास्ट पॉइंट है 332 वाला, ये आपका गलत होगा, आपका पहला और दूसरा सिर्फ सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। इसमें आपसे कथन गलत पूछा है, अभी तक दो सही के थे, तो इसमें जो आपका पहला कथन है कि पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था, ये आपका गलत होगा, धर्मपाल नहीं था, गोपाल था। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं धर्मपाल और गोपाल में, तो इसका आंसर गोपाल होगा। बाकी आपके जितने ऑप्शन हैं वो सही है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है निर्माण धर्मपाल ने कराया था, प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो नागभट्ट था और राष्ट्रकूट का अंतिम शासक कर्कदिति था। ये बाकी सब सही है अपने जगह पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोलना निम्न कथनों पर विचार करिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है पास या निकट। ये भी एकदम सही है आपका कि उपनिषद का मतलब होता है पास में रहकर शिक्षा ग्रहण करना, गुरु के आसपास रह के। तो वही अगला पॉइंट भी है, उपनिषद के शिष्य गुरु के बीच में चर्चाओं का वर्णन किया गया है, तो वही सेम पॉइंट मैंने बताया कि गुरु और शिष्य के बीच में आपस का रिलेशन होता है रह के शिक्षा ग्रहण करने का, तो दोनों पॉइंट आपके सही होंगे। अगला क्वेश्चन आठवां, राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने की थी। तो राष्ट्रकूट वंश का स्थापना, ये भी रिपीटेड काफ़ी क्वेश्चन है आपके, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, तो दंती दुर्ग ने किया था इसकी स्थापना। इसके बाद से अगला है सेन वंश की स्थापना किसने किया। तो सेन वंश के स्थापना को लेकर आपको कई इतिहासकारों के द्वारा कई जगह कई चीज़ें मिलेगी। इसका कई जगह आपको वास्तविक संस्थापक विजय सेन मिलता है, कई जगह आपको हेमंत सेन मिलता है और कई जगह आपको सामंत सेन मिलता है, मगर एक तरह से बोला जाए तो सामंत सेन ने ही सेन वंश का जो है नींव रखी थी। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आप विजय सेन मार रहा, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 जो है, कृष्ण प्रथम जो है राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया। तो आप जब देखोगे तो ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम का सबसे फेमस जो कार्य था अपने राजकाल में, तो उसका यही था कि एलोरा में उसने शिव मंदिर का निर्माण कराया था, वो उसका बहुत सबसे ज़्यादा फेमस था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है। एक वल्लवी काल, इसका इतिहास में एक तरह से आप देखोगे ना तो इसका कोई जिक्र नहीं है ज़्यादा, ये इतिहास के पन्नों से अब विलुप्त तो हो चुका है वल्लवी काल। वल्लवी काल एक ऐसा समय पीरियड था जब गुप्त काल जो है अपने विघटन पे था, मतलब खत्म होने के समय पे था, उसी समय का ये वल्लवी काल है, तो उसी के समकालीन आपके पूछा है, तो इसका जो है गुप्त काल होगा इसका आंसर, जो 470 से शायद 780 तक, कोई एक एग्जैक्ट साक्ष्य नहीं है, मगर एक अंदाजा मैं बता सकता हूँ कि एक यही जा आपका आंसर होगा, वल्लवी काल वही था, गुप्तकालीन के समकालीन था। अगला आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था। तो सभी जानते हो, ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय का अफेमस क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम बार पूछा जा रहा है, कुमार गुप्त के काल में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, ठीक, विक्रमादित्य जो उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त, उसके जो है पुत्र कुमार गुप्त थे, उसी के काल में विक्रम आपका ये नालंदा विश्वविद्यालय बना था। उसके बाद से पूछ रहा है, सोमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। स्थिति है जो सोमपुर विश्वविद्यालय है वो एकदम खंडहर की तरह हो गई है। तो बात है 1985 को यूनेस्को ने इसे क्या किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अडॉप्ट कर लिया है। तो ये आपका, इसमें आपसे क्वेश्चन अगर कहीं पूछे
सोमपुर विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने कब अडॉप्ट किया, तो आप 1985 बता सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 14, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो बौद्ध संगीति से, जैन संगीति से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो बौद्ध संगीति से आपसे पूछा है तो इसका ऑप्शन डी होगा, सपकामी। इसके अध्यक्ष थे दिति के, जो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन 15 है, गौतम बुद्ध को गृहत्याग को कौन सा चिन्ह बताया गया है? गृहत्याग के लिए कौन सा चिन्ह उनको बताया गया? कई चिन्ह थे, बर्थ के लिए था, गृहत्याग के लिए था, शिक्षा के लिए था, तो गृहत्याग के लिए घोड़े का चिन्ह बताया गया है। इसे आप याद रख सकते हो कि अगर आपको घर त्यागना हो तो किस पे बैठ के जाओगे, तो उस समय जो सवारी थी घोड़े पे, तो इसीलिए घोड़े का आप सिंबल याद रख सकते हो कि गृहत्याग के लिए घोड़ा यूज किया जाता था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, कौन सा वंश ब्रह्मक्षत्रिय वंश कहा जाता है? एक चीज और मैंने बताया कि जो आपका सेन वंश था उसको कई लोग ब्रह्मक्षत्रिय वंश भी कहते हैं, तो आपका आंसर वहां ऐसा मिल जाएगा कि जो सेन वंश ही है ब्रह्मक्षत्रिय वंश कहलाता था। ठीक, कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। इसमें बुक का नाम दिया और राइटर का नाम दिया है। इसमें जो आपका लास्ट जो है, बाकी सब सही है, लास्ट ऑप्शन जो डी है, रत्नावली जो राजशेखर दिया हुआ है, वो आपका नहीं होगा। रत्नावली के जो लेखक थे उदयन थे। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, अकबरनामा किस भाषा में है? ठीक, अकबरनामा क्या है? अकबरनामा अकबर के पूरी बायोग्राफी है, उनके बारे में डिटेल दिया हो कि अकबर का काल में कैसा मतलब साम्राज्य था, उनकी संस्कृति क्या थी। ठीक, तो उसके बारे में अकबरनामा लिखा गया। अकबरनामा लिखने वाला कौन था? अबुल फजल था। तो उसी के बारे में लिखा बोला कि अकबरनामा किस भाषा चल रही थी, वो फारसी भाषा थी। तो जाहिर सी बात है कि अकबरनामा जो लिखा जाएगा वो फारसी में लिखा जाएगा आपका। आते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? मेहरुनिसा सभी लोग जानते हो, मेहरुनिसा जो है शेरे अफगान की जो विधवा थी और जहांगीर की पत्नी थी, तो जहांगीर ने इसे एक टाइटल दिया था मेहरुनिसा का। ठीक, तो मेहरुनिसा की एक तरह से बोल सकते हो ये राजकुमारी भी थी, मेहरुनिसा एक जगह था, तो इसीलिए मेहरुनिसा की टाइटल दिया गया था। तो वो कौन था? नूरजहां थी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 21, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना कोई भी त्यौहार मनाने से मना कर दिया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, कि अमीरों को उसकी इजाजत के बिना त्यौहार मनाने से क्या कर दिया था? वो मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन 22, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, इसमें पूछा आपका कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसके अकॉर्डिंग कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो इसमें स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में आप सभी लोग जानोगे कि कैसे हुई स्वदेशी आंदोलन की बात। जब ये हुई कि जब लॉर्ड कर्जन आया और उसकी एक नीति थी फूट डालो नीति। ठीक, तो फूट डालो नीति के उसने क्या किया कि बंगाल को डिवाइड कर दिया, उसने हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के हिसाब से बंगाल का डिवीज़न कर दिया उत्तर और पश्चिमी बंगाल में, जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों में काफ़ी अशांति फैल गई, और अशांति फैलने के कारण लोगों ने अपोज किया, और उसी के अपोज के हिसाब से आप उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। स्वदेशी आंदोलन में ये था कि लोग सिर्फ स्वदेश अपने देश के बनी चीज़ों को लेते थे, मतलब अपनाते थे, और विदेशी चीज़ों का परित्याग करते थे। ठीक, तो उसमें क्या हुआ कि आपका जो बंगाल को 12 जुलाई को 1905 को ये पेश किया गया कि इसे डिवाइड कर दिया जाएगा, और ये मंजूरी कब हुई? 16 अक्टूबर 1905 को ये पूरा प्रभावी हो गया, बंगाल का डिवीज़न हो गया। बाद में चल के ये बंगाल डिवीज़न, बात है 1911 की, जब जॉर्ज पंचम आए, दिल्ली दरबार लगा, उस समय क्या हुआ कि इस बंगाल जो दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ था उत्तर और पश्चिम पार्ट में, उन दोनों को मिला दिया गया। और उसी समय 1911 की बात है कि जो हमारा जो राजधानी थी कोलकाता थी वो दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तो यही बंगाल विभाजन से इतने फैक्ट हो सकते हैं कि आपके जॉर्ज पंचम जब दिल्ली दरबार लगा 1911, उस समय क्या हुआ कि आपकी जो राजधानी थी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने जब बंगाल विभाजन हुआ था तो एक सॉन्ग कंपोज किया था, अमार सुमार बंगला। वही एक तरफ का उस समय जब बंगाल विभाजन हुआ तो लोगों का नारा था, लोग उसी को गाते हुए चलते थे। तो पहला ऑप्शन आपका तो सही हो जाएगा कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के थीम जो गाना था अमार सुमार बंगला, ये सही है। और सही, सैयद हैदर राजा ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भी सही है। दिल्ली से सैयद हैदर ने नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन का। अगला जो क्वेश्चन है आपका, गणपति और शिवाजी महोत्सव से भी आंदोलन का माध्यम बन गया था, तो ये भी बात सही है। लोकमान्य तिलक ने, ठीक, इन्होंने भी क्या किया था कि जो महोत्सव होते थे उनके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो है अपना स्वदेशी आंदोलन जो है आगे बढ़ाते थे। अगला जो आपका ऑप्शन है वो 1907 में सूरत विभाजन
ने स्वदेशी आंदोलन की नींव डाली, ये गलत है। सूरत विभाजन ने नहीं, 1905 में बंगाल विभाजन ने नींव डाली थी। 1907 में चलते चलते ये जो क्या हुआ आपका जो बंगाल स्वदेशी आंदोलन था वो कमजोर हो गया। तो ठीक ऑप्शन और जो आपका डी होगा ये आपका गलत होगा। नेक्स्ट आप आते हैं, किसने कहा कि था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला है और ना राही राष्ट्र के ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो इसे आरसी मजुमदार ने कहा था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से वहाबी आंदोलन का नेता था। ठीक, तो वहाबी आंदोलन एक तरह का आंदोलन यह था, वहाबी आंदोलन एक मुस्लिम धर्म का बोल सकते हो कि कट्टर एक आंदोलन था, जिसमें एक नाम था उनका सैयद अहमद। सैयद अहमद यहीं आपके उत्तर प्रदेश रायबरेली के थे और ये अपने आप को काफ़ी उच्च परिवार से मानते थे। बोलते थे कि जो हम जो हमारा जो वंशज है हजरत मोहम्मद का वंशज है। और ये इसी मकसद से ये कहाँ गए थे, मक्का एक बार गए थे जहाँ पे अब्दुल वहाब से इनकी मुलाकात हुई थी। अब्दुल वहाब से मुलाकात होने से ये अपने धर्म के प्रति काफ़ी सतर्क हो गए थे और अपने धर्म की जो होता है प्रचार जो है काफ़ी अच्छे से करना चाहते थे और एकदम एक बोला जाए ना कि धर्म योद्धा जी से उस टाइप के ये व्यक्ति हो गए थे। उसी को रिलेटेड ये मुस्लिम धर्म से रिलेटेड ये आंदोलन चलाए थे और वहाब जो मिला था इनको वहाँ पे मक्का में उसी के नाम से वहाब आंदोलन रख दिए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो सैयद अहमद इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन आपका 25वां है, जो भारत में साइमन कमीशन के विरोध में क्या कारण था। तो भारत में आप सभी लोग जानते हैं 1927 में साइमन कमीशन आया था, किसकी वो करने के लिए आया था, 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था आपका, उसकी जो होता है उसमें रिफॉर्म करने के लिए उसमें मतलब सुधारने के लिए ये साइमन कमीशन का गठन किया गया था। मगर साइमन का कमीशन का जब गठन किया गया उसके सुधारने के लिए तो इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसके कारण क्या हुआ भारत वालों ने इसका अपोज किया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ ए, कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था इसलिए इसका अपोज किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पे पढ़ते हैं, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर होगा आपका सी, सर अय्यद अहमद खान। अलीगढ़ जो है आंदोलन एक तरफ का ऐसा आंदोलन था कि जब 1857 की क्रांति ठप हो गई थी तो उस समय मुसलमान जो मुस्लिम धर्म था धार्मिक सुधार के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था, सैयद अहमद अली खान ने इसे चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 पे पहुंचते हैं, किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो जब प्लासी का युद्ध हुआ तो वहीं से ऐसा लगने लगा 1757 में कि ऐसा हुआ लगा कि हमारा जो कंट्रोल है अब इंडिया पे जो देखा जाए कि अब आपका इंग्लिश का होने लगा, मतलब ब्रिटिशर्स का होने लगा है। अब बाद में ये जब 1764 का बक्सर युद्ध हुआ उसमें पूर्ण रूप से ये साबित हो गया कि अब कोई रोक नहीं सकता इसका ब्रिटेन का गुलाम बनने से। तो हुआ ऐसा कि इसमें जो आपका बक्सर का युद्ध था इसमें 3 लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े। हेक्टर मुनरो उस समय अंग्रेजों का जो है नेतृत्व कर रहा था और आपके 3 नवाब जैसे दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय थे और आपके अवध के नवाब जो शिजाउद्दौला। ठीक, उसके बाद से आपके जो बंगाल के नवाब थे वो थे मीर कासिम। ये 3 लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। हेक्टर मुनरो ने इन 3 को हरा दिया बक्सर के युद्ध में। हराने के बाद एक संधि हुई जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 65 में एक इलाहाबाद की संधि हुई शाह आलम द्वितीय के साथ। उनको इलाहाबाद का जगह दे दिया गया और उनके बाद 25 लाख की पेंशन पे सालाना पेंशन पे उन्हें बोला कि भैया अब तुम ये पेंशन लो और ऐज करो अपनी ज़िंदगी। ठीक, अब तुम्हें कुछ ऐसा वैसा देखना नहीं है, कहीं से तुम्हें राजस्व प्राप्त नहीं होगा। और उसके बदले में उन्होंने कहाँ की दीवानी ले ली, बंगाल की ले ली, उड़ीसा की ले ली और आपका यहाँ क्या नाम है बिहार की ले ली। ये 3 दीवानी उनके पास मिल गई। तो इससे पता चल गया कि आपका अंग्रेज का शासन इसमें इंडिया पे होना ही होना है। तो आपका यही होगा सी, बक्सर के युद्ध से पूरी तरह ये हो गया कि अब अंग्रेजी शासन यहाँ होगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो सभी लोग जानते हो आनंद मठ के लेखक का नाम जो है बंकिमचंद चटर्जी है। अगले क्वेश्चन 29 पे पहुँचते हैं, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से क्रांति करना था। 1857 की क्रांति काफ़ी अच्छी क्रांति थी जिसे मंगल पांडे ने जो है शुरू किया था और इसी 1857 की क्रांति में काफ़ी लोग ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आपके कानपुर से नाना साहब ने लिया, झांसी से रानीबाई ने लिया, वो बेगम हजरत महल ने लिया लखनऊ अवध से। आपका अगला जो है आपका इसमें ये है कि क्वेश्चन जो आपके सामने है वो पूछ रहा है कि हाँ बिहार से कौन, मतलब कुंवर सिंह कहाँ से मतलब थे। तो कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से थे और बिहार से जगदीशपुर में मतलब उनका जन्म हुआ था तो वह जगदीशपुर से ही नेतृत्व कर रहे थे। ये एक ऐसे योद्धा थे कि मतलब 80 साल की उम्र में भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे। आजकल के लोग 80 साल में यहाँ से उठ के वहाँ तक चल नहीं पाते मगर वो 80 साल की उम्र में अंग्रेजों को खदेड़ दिए थे 1857 की क्रांति में। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में पहला जो कथन है आपका कि हाँ यहाँ कॉलोनियल जो होता है रूल का वो समर्थन कर रहे थे, सही बात है। अगला इसमें किसने संघीय प्रणाली का समर्थन किया था, ये भी नेहरू रिपोर्ट में था कि हाँ इसने संघीय प्रणाली का समर्थन किया था। इसमें जो लास्ट तीसरा पॉइंट है, सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली को खारिज कर दिया था, मतलब धर्म के हिसाब से जो वोटिंग सिस्टम था आपका वोट डालने का उसको इन्होंने ख़त्म करने की बात कही थी, मगर इसे मुस्लिम लीग ने माना नहीं था, इसके विरोध में जिन्ना ने आप विरोध कर दिया था नेहरू रिपोर्ट का। तो इसका ये तीनों पॉइंट तो सही है कि नेहरू रिपोर्ट में ये तीनों था, मगर लास्ट में जो चौथा पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के खिलाफ था, तो ऐसा कोई पॉइंट उसमें नहीं मिलता नेहरू रिपोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के खिलाफ थे, ठीक। तो आपका पहला दूसरा तीसरा सही हो जाता है कि उस हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पढ़ते हैं, किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा है? तो इसके जो आंसर होगा वो होगा मदन मोहन मालवीय ने कहा था इसे, आंसर डी। 32 क्वेश्चन, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1765 की संधि द्वारा दी गई। अभी मैंने जब मैं आपको बताया कि बक्सर 64 का युद्ध हुआ और 65 में इलाहाबाद की संधि हुई, उसी समय आपको बंगाल बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो अंग्रेजों के पास चली गई थी, तो ये किससे संधि हुई थी? जो उस समय मुगल काल का शाह आलम द्वितीय था उसी से अंग्रेजों ने संधि की थी, ठीक। और संधि करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अगले तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, इसमें बोल रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सभी लोग जानते हो, इसकी जो लेखक हैं दादा भाई नरोजी हैं, आंसर बी होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, इसमें बोला गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किस अदालत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन आपका डी होगा, सदर निजामत। सदर निजामत एक अदालत थी, इसमें क्या होता था आपका कि वारन हेस्टिंग के द्वारा इसे मतलब बनाया गया था सदर निजामत को। इसमें क्या होता कि आपके लोअर जो अदालत थे उनसे जो फैसला हो जाता था और फिर बाद में कोई अगर अपील करना चाहता था तो वो सदर निजामत में करता था, वहाँ से फिर से उस केस की सुनवाई होती थी। एक तरह से बोल सकते हो कि जे आपका सिविल कोर्ट हुआ, उसके बाद से आपका हाई कोर्ट हुआ, उसी हिसाब से ये भी था कि आपके जो प्रांतीय अदालत थी वहाँ पे कोई भी अगर जो आपका केस चल रहा है उस पर सुनवाई हो गई है, उसके बाद से उस पर कोई फैसला नहीं आया, आपको नहीं अच्छा लगा, तो आप इसमें जो है सदर निजामत में अपील कर सकते थे, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 35 है, इसमें बोल रहा निम्नलिखित वायसराय का सही कालक्रम क्या है? ठीक है, आपको वायसराय दिया गया है, उसमें बताना है कि आप कौन पहले आया था, उसके बाद से कौन बाद में आया था। तो इसमें पहला है कि लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, तीसरा है लॉर्ड विलिंगडन, चौथा है लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक। तो इसमें जो आपका क्रम दिया हुआ है वो सही क्रम दिया है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपका जो ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4 यही क्रम में ये तीन आपके आएंगे चारों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो 36 है। 36 एक अच्छा क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों के बीच गतिरोध के दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचार्य सूत्र तैयार किया गया था? ठीक, एक फॉर्मूला था श्री राजगोपालाचार्य का, वो क्या था? इसमें यह हुआ था कि पहले तो इसमें बता दें कि ये किनके किनके बीच में हुआ था, किनको लेके हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग बोल सकते हो, तो इनके बीच में जो आपका रुकावट थी, जो खेत था इनके बीच में, जो मतभेद था, उनको दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला तैयार किया। उन्होंने बताया कि आप लोग मुस्लिम भाई जितने लोग हो, आप स्वतंत्रता की जो इंडिपेंडेंस है उसकी आप समर्थन करें, उसके बाद से आप लोग जो अलग देश की मांग कर रहे हो, पाकिस्तान की मांग कर रहे हो, उसकी हम समर्थन करेंगे, कि उसका एक बेसिस बनाया कि उत्तर या पश्चिमी जो आपके दोनों प्रांत हैं उनमें किसी एक जन कमीशन बैठा के वहाँ पे जनमत संग्रह करा के लोगों का मतभेद लेके कि हाँ कितने लोग भाई फेवर में हो कि पाकिस्तान बनना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप लोगों का डिवीज़न कर दिया जाएगा। और एक ये भी कंडीशन था कि जब ही हमें आज़ादी मिलेगी तो यही राजगोपालाचारी का जो सूत्र था उस समय, तो जब ये जब दिए थे तो ये लागू नहीं हुआ, मगर बाद में चल के जब हमें इंडिपेंडेंस मिली और जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान का, तो ये यही जो है इसी गोपालाचारी नियम के सूत्र के हिसाब से हमारा जो बंटवारा हुआ था। अगले तरफ से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वायकोम सत्याग्रह का शुरुआत की और नमक कानून की रक्षा में कालीकट से पयनवर तक पदयात्रा की? नमक कानून आप सभी जानते हो, सिविल डिसोबीडियंस जिस समय शुरू हुआ था उसी समय साल्ट सत्याग्रह भी हुआ था 1930 में, गांधी जी ने शुरू किया था, ठीक।
तो इसमें आपका बोला जा रहा है कि वायकॉम सत्याग्रह, वायकॉम सत्याग्रह एक तरह का सत्याग्रह था ये भी। ये जो चालू हुआ था ये तमिलनाडु में, तरवनकोर जो एक जगह है तमिलनाडु में, सॉरी तमिलनाडु में नहीं, केरल में, ठीक वहाँ पे शुरू हुआ था। इस वायकॉम का जो शुरू होने का तात्पर्य ये था कि वहाँ पे जो था लोगों के बीच अनटचेबिलिटी, मतलब जातिगत जो भेदभाव था लोगों के बीच, जाति से लेके मतलब ये छोटे जाति का है तो उसे ना मंदिर में जाने देते थे ना सार्वजनिक जगह पे जाने देते थे, तो उससे रिलेटेड वायकॉम एक मूवमेंट चालू हुआ था केरल में। तो उसके नेतृत्व जो किए थे वो थे के केलप्पम, के केलप्पन थे। ऑप्शन जो आपका सी है ये आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 38 पे बढ़ते हैं। इसमें बोला है कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन बोला है दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया था। बात सही है कि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो है स्थापना की थी, जिसके तहत क्या होता था कि हमारी जो बातें हैं वो आपके ब्रिटिशर्स तक पहुंच सकती थी, कि हमारी क्या कमियां हैं, हमारे देश में क्या हो रहा है, कैसे हमारा शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या चीज़ें की ज़रूरत है, इसके इस एसोसिएशन के थ्रू हम अपनी बातें ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सकते थे। और उसके बाद से कारण दे रहा है कि ये ब्रिटिश जनता के विचार को प्रभावित करना चाहते थे। ये गलत है। उसके जन मतलब आपका जो कथन है वो सही है, मगर कारण जो है आपका वो गलत है। अगले पे आते हैं 39। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में इसके किसके द्वारा विख्यात है? तो 1896 में जो अधिवेशन हुआ था पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में, इसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है गाया गया था। वहीं से वंदे मातरम, जो वंदे मातरम है आप जानते हो बंकिम चंद्र चटर्जी ने के उपन्यास अनंतमठ से लिया गया है। 1937 तक भारत का यह राष्ट्रगान था। तो ये आपके फैक्ट हैं कि 1937 तक यह भारत का वंदे मातरम राष्ट्रगान रहा, और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और कहाँ से लिया गया? अनंतमठ से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें बोला सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला इसमें है कि वह इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। अगला है वे कलकत्ता के रिपिन कॉलेज के संस्थापक थे, उन्हें राष्ट्र चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, और उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। इसमें आपसे बोल रहा है कि कथन कौन सा सही नहीं है। तो आपके जो ऊपर के तीनों कथन हैं जो आपके ऑप्शन में दिख रहे होंगे वो सही हैं। जो लास्ट वाला आपका ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि उसमें जो दिया गया है कि आनंद मोहन बोस ने साथ मिलकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर जो है आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, ना कि यहाँ पे क्या बोला है ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्त के द्वारा की गई थी, ठीक, इसलिए वो गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। तो उसी लखनऊ अधिवेशन 1916 जो हुआ उसी को हम जानते हैं कि इसी के थ्रू क्या हुआ कि उनका मतदाता दल जो हुआ अलग हो गया। ये एक मंच था लाया गया जहाँ पे दोनों को एक साथ लाया गया था। ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था इसमें क्या हुआ था, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों आपके क्या हुए, साथ आए थे। अगला है 42 क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपी बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो जानते हो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों में से पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगालियों ने अपना पहला जो बस्ती था वो कोची में स्थापित किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो सलबाई की संधि जो है आपका प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 17 मई 1782 में, उससे संबंधित है। ये मराठा और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी जिसमें क्या क्या गया था कि जो एक जगह है सेल्सेट आइलैंड जो महाराष्ट्र में इस समय है, और एक ब्रोंच ये है आपके गुजरात में, इन दोनों पे किसका अधिकार रहेगा? इस दोनों पे जो है आपका अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। इससे आपको मराठा और इनके बीच में क्या नाम है आपके अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर आलोचना की थी कि सिर्फ ब्रेक वाली मशीन जिसमें इंजन नहीं है, ये सिर्फ ब्रेक वाली मशीन में अनेक ब्रेक वाली मशीन होगा,
अनेक ब्रेक वाली मशीन जिसमें इंजन नहीं है। तो ये भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था, इसी को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक अनेक ब्रेक वाली मशीन है जिसमें इंजन नहीं। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, शेरे पंजाब। शेरे पंजाब का मतलब होता है पंजाब केसरी, द लाइन ऑफ पंजाब बोल सकते हो इंग्लिश में, और पंजाब केसरी जो बोला जाता है। और शेरे पंजाब जो वर्ड है ये पंजाबी में कहा जाता है, शेरे पंजाब, पंजाब का शेर। ये किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई थी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो आपका ये है ना, बहुत पुराना है, ये मौर्य काल के समय का है। मौर्य काल के समय का, ये जब चंद्रगुप्त का समय था, मौर्य काल उस समय ये ग्रैंड ट्रंक रोड था। ये जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश के एक जगह है चटगांव, वहाँ से शुरू होता है और आपके लाहौर तक, जो पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाता था। तो उस समय इसका जो नाम था, हर जगह टाइम पीरियड पे इसका नाम अलग अलग था ग्रैंड ट्रंक रोड का। तो जो मौर्य काल था उस समय इसे उत्तर पथ कहते थे, उत्तर की तरफ जाने वाला रास्ता। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो जो हमारा जो मुगल काल आया, मुगल डायनेस्टी आई, तो उस समय शेरशाह सूरी, सूर डायनेस्टी का था राजा, तो शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था बोला जाता है एक तरह से उस समय। तो ग्रैंड ट्रंक रोड, तो ये इसने इसका जो नाम दिया था सड़क ए आजम, या इसे एक और नाम दिया था शाह ए आजम। ठीक, दो नाम था, सड़क ए आजम या शाह ए आजम, उस समय ग्रैंड ट्रंक रोड को बोला जाता था मुगल काल में। फिर बाद में जैसे और भी एक नाम था इसका, बादशाही सड़क, मुगल काल में ये भी नाम पड़ा था इसका। और जैसे ही हम आगे बढ़े मॉडर्न इंडिया में आए, तो इसको ऑकलैंड, जो एक वाइसरॉय थे आपके लॉर्ड ऑकलैंड ने इसकी मरम्मत कराई, रिकंस्ट्रक्शन कराया, तो इसका नाम जब वहाँ से पड़ा गया आपका ग्रैंड ट्रंक रोड कर देते थे। तो यही सही होगा आपका कि संवैधानिक सुधारों के लिए अपना आंदोलन करते थे। अगला है क्वेश्चन 48, कि जिन्ना के 14 सूत्री मांगे से संबंधित वे कौन सी बातें थीं जिनमें जिन्ना की बातें सही थी? तो पहला, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1929 की बैठक में दिया गया था। मैंने आपको अभी बताया कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में एक क्वेश्चन था, तो नेहरू रिपोर्ट में जब इन्होंने, नेहरू जी ने ये कहा था कि जो अलग से मतदाता चाहिए इनको, सांप्रदायिक हिसाब से मतदान चाहिए, उसको ख़त्म कर देते हैं, तो उसके लिए जिन्ना ने अपोज कर दिया था, और उसका मतलब नेहरू रिपोर्ट का। तो उससे अपोज करने के बाद इन्होंने, जिन्ना ने 14 सूची की एक मांगे रखी थी, उसी में इन्होंने एक मांग, जो ये मांग थी 14 सूची की, इसको 1929 में मुस्लिम लीग की जो पहली बैठक हुई थी उसमें शामिल किया था, पेश किया था। तो ये सही है आपका। सेकेंड जो आपका स्टेटमेंट है कि ये नेहरू के रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में था, अभी बताया, सही बात है, नेहरू का जो रिपोर्ट था उसी के प्रतिक्रिया में ये पेश किए थे इन्होंने 14 मांगे अपने सूत्र। अगला है कि शुरुआत में कुछ सुधार आगा खान और करीम जलाल ने बताए थे, ये आपका गलत है। 14 सूत्री थी मगर उसमें आगा खान और करीम जलाल ने नहीं बताए थे। तो आपको पहला और दूसरा इसके जो है जिन्ना के अकॉर्डिंग जो है 14 जो सूत्री मांगे थी उनके अकॉर्डिंग ये सही है, पहला और दूसरा आपका स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है 49, संविधान सभा की बैठकों को अंतरिम सरकार के प्रति लोग का रवैये का नतीजा क्या था? ठीक, संविधान सभा की जो बैठक थी अंतरिम सरकार की, उसमें मुस्लिम लीग का, हाँ मुस्लिम लीग का प्रति लीग का रवैया क्या था? तो मुस्लिम लीग का रवैया पूछ रहा है, आपके क्वेश्चन में लीग लिखा आया होगा आपके पेपर में, तो वो मुस्लिम लीग है, उससे कंफ्यूज ना होइएगा। तो यही पूछ, जैसे आप लोग सभी लोग जानते हो कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर वाली, तो उसमें मुस्लिम लीग ने अपोज कर दिया था, शामिल नहीं हुए थे। मगर जो 13 दिसंबर वाली जो बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग शामिल हुआ था, तो एक सहमति बनी इनके, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ होगा कि लीग ने पाकिस्तान के लिए अपनी जंग में कांग्रेस के साथ समझौता किया। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये बात है 1929 की, जब कांग्रेस लाहौर अधिवेशन कर रहा था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे उस समय उसके अध्यक्ष थे, तो उस समय लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। इसी पूर्ण स्वराज की मांग के बाद, जब दिसंबर में हुआ था, ठीक 26, उसके बाद से एक महीना बाद 26 जनवरी 1930 को इन्होंने स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया, उसी दिन झंडा फहरा दिया 26 जनवरी 1930 को, ठीक ये तिरंगा आपको फहराया गया था। तो इस दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में उस समय मनाते थे 26 जनवरी 1930 को।
ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की जो है मांग रखी गई थी। अगला क्वेश्चन 51 है, ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है। अहसान मंजिल एक जगह है, पैलेस है। यहाँ पे हुआ क्या था कि आपकी बात ये बंगाल जब विभाजन हुआ उसी समय आपका 1909 की बात है जब ये मॉर्लीमेंटो और वो बांग्लादेश के नवाब ने बुलाया था, तो जो जिस जगह पे बुलाया था वही अहसान मंजिल पैलेस था। यहीं पे बुला के इनकी जो है अलग से मुस्लिम लीग का गठन किया गया। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, वही बोला गया कि 1906 मतलब जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, और 6 में ढाका में आगा खान द्वारा की गई लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकार की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान का मांग रखी। ठीक, तो ये वही पैलेस है जहाँ पे वहाँ के ढाका के नवाब ने बुलाया था और मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगली तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में, बरिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। तो बरिंद्र घोष जो थे आपके जुगांतर एक समाचार पत्र था, बंगाली क्रांतिकारी ये समाचार पत्र था, उसी से ये जुड़े हुए थे। 1906 में ये चला था समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ है। तो ये अनुशीलन समिति बंगाल की एक ऐसी समिति थी जिसमें आप लोग जानते होंगे प्रफुल्ल चक्की, खुदीराम बोस, ये लोग उससे जुड़े हुए थे। तो प्रफुल्ल चक्की वही है जो सबसे नौजवान व्यक्ति था, इन्हीं ने इसका वो था कि इसे मारने के लिए भेजा गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की को किंग्सफोर्ड के बग्घी पर बम फेंकने के लिए जो है भेजा गया था। तो इन दोनों ने पहला जो है सबसे कम उम्र में आंदोलनकारी ये प्रफुल्ल चक्की था। ठीक है, तो ये आपका इसी अनुशीलन समिति से ही जुड़ा हुआ था। तो एक तरह का ये संगठन था जहाँ पे लोगों को शिक्षा दी जाती थी शारीरिक और मानसिक स्ट्रांग बनने की। अगला क्वेश्चन नंबर 54, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इसमें होगा हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन ए आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन 55 है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना बांटो और छोड़ो का नारा दिया। तो इसमें जो होगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई और मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिमों का उद्देश्य जो था कि मुस्लिमों के मांग को रखना था, मगर बाद में इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की मांग की। तो ये कराची अधिवेशन 1943 में जो हुआ उसी में इन्होंने जो है बोला था बांटो और छोड़ो, मतलब मुझे अलग करो, बांटो और भारत को छोड़ो वाले जो है नारा दिया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 56, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। ठीक, मुस्लिम लीग बोल रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था, तो वो था लाहौर। लाहौर में 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन 57, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी। तो महात्मा गांधी ने स्थान पूछा है, तो इसमें आपका राजकोट होगा। राजकोट पे इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक हरित पुस्तक थी उसको प्रकाशन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया था। तो साबरमती जब वे साउथ अफ्रीका से आए थे इंडिया 1915 में, उसी समय इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी जो अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पे था, और यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हो गई थी पूरी तरह, और मार्च 1930 को यहीं से दांडी मार्च जो है शुरू की गई थी साबरमती आश्रम से। अगला क्वेश्चन आपका है 59, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन है इसमें हम्पी के स्तंभ जो थे वो आपके स्मारक हैं, क्योंकि हम्पी जो है आपका विजयनगर का राजधानी था। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, इसमें बोला जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था। तो जहांगीर के समय जान रहे हो कि ब्रिटिशर्स आने लगे थे व्यापार के संबंधित रिलेटेड बात करने के लिए, तो उसी समय हेक्टर जहाज से एक व्यापारी आया था जिसका नाम था क्या, विलियम्स हॉकिंस। तो ये जब जहांगीर के दरबार में गया था कि व्यापार की अनुमति मांगने के लिए, तब इसे जहांगीर ने जो है इंग्लिश खान कह के एक इंग्लिश खान की उपाधि जो है इसे दी थी। तो इसका आंसर होगा विलियम्स हॉकिंस। ठीक, अगला होगा क्वेश्चन 63, किस शिलालेखों पर धम के नियमों का वर्णन है। तो इसका आंसर होगा बी,
प्रमुख चट्टानी शिलालेखों पर धम्म नियमों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल मतलब हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर के बारे में सही है? आपसे इसमें बता कि कौन सा लोथल के बारे में सही है, तो आंसर आपका होगा डी, बी और सी। बी और सी स्टेटमेंट जो आपका ये है कि लोथल बड़े पैमाने पर ईंट की दीवार से घिरा हुआ था, ये बात सही है कि लोथल जो है चारों तरफ से ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ था। और लास्ट है आपका सी जो है, लोथल मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। और ये भी आप जानते हो कि जब हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़े होगे तो जानते हो कि लोथल में ही हमें बंदरगाह जो है मिला हुआ है, तो यहाँ पे ही जो व्यापार होते होंगे तो इसी बंदरगाह से होते हुए आए होंगे, मेसोपोटामिया से, जो भी उस समय हमारी समकालीन सभ्यता थी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। ठीक, यह आपका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66, चालीसा या चालीस का समूह किसका छोटा नाम है? तो चालीसा आप जानते हो कि जो ये आपका ममलुक वंश मतलब जिसे आप बोलते हो स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जिसे शुरू किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका एक तरह से वास्तविक संस्थापक नहीं था, इसका वास्तविक संस्थापक एक तरह से इल्तुतमिस ही था। और इल्तुतमिस ने क्या बनाया था, एक 40 दासों का समूह बनाया था, 40 लोगों का समूह बनाया था जिसे चालीसा बोलते थे। तो वो पूछा आपसे है कि चालीसा जो था वो किसका छोटा नाम था, इसमें कैसे लोग थे? तो इसमें जो ऑप्शन आपका डी होगा कि इल्तुतमिस द्वारा बनाई गई तुर्की लोगों का, क्योंकि ये खुद तुर्क से था, तो ये तुर्क के जो संबंधित जो कुलीन वर्ग बड़े बड़े लोग थे उनको दास बना के रखा था, उन्हीं 40 को अपने ग्रुप अपने समर्थन के लिए खड़ा किया था। तो वही जो 40 का ग्रुप था लोगों का मतलब बड़े लोगों का, तो वो आपका आंसर डी होगा कि 40 लोगों का जो ग्रुप था वही आपका आंसर होगा, यही इनके समर्थन में खड़े रहते थे। तो तुर्क ए चहलगानी इसे बोला जाता था, 40 चालीसा भी बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है 67, पहला गुप्त शासक कौन था जिसने चांदी के सिक्कों की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त। ठीक, कुमारगुप्त ने चांदी के सिक्कों की शुरुआत की थी गुप्त काल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, यही सही युग्म का चयन करें। जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष करने वाले पहले अंग्रेज थे। सभी को पता है कि राष्ट्र जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसके इंडियन वो आपके ब्रिटिशर्स में जो पहले अध्यक्ष बने थे वो जॉर्ज यूल ही थे। अगला है लॉर्ड रिपन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, और उसके बाद से है डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो आपके इसमें बोला है कि कौन सा सही युग्म कौन सा है, तो आपके जो तीनों युग्म हैं वो 1988 में इलाहाबाद सत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन द्वारा लॉर्ड डर्फिन गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड क्रॉस राजीव सचिव थे। अगला है डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ये भी सही है। और लास्ट एक ऑफ था, चार स्टेटमेंट थे इसमें, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी सही है कि मुस्लिम अध्यक्ष जो है INC का पहला वो बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। तो आपका जो आंसर होगा 1, 3 और 4 ये होगा, जो 2 है आपका लॉर्ड रिपन, ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि लॉर्ड रिपन नहीं, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान लॉर्ड डफरिन था, ठीक, ना कि रिपन था। अगले क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2, इनमें मिलान करना है आपको। पहली सूची है, इसमें बोला है चापेकर्स ब्रदर्स, सावरकर्स ब्रदर्स, उसके बाद गणेश सावरकर, बीके घोष, प्रफुल्ल चक्की। और दूसरी सूची की तरफ दिया अभिनव भारत, मित्र मेला, प्लेग संचालन पूरे अनुशीलन समिति। तो इसमें आप सभी लोग जानते हो कि सावरकर ब्रदर्स जो थे वो किससे हैं, अभिनव भारत से होंगे, तो आप मिला लो इससे सावरकर ब्रदर्स, मतलब सेकेंड का आपका ए होना चाहिए। तो इसमें सेकेंड का ए आपका ऑप्शन ए में मिल रहा है और ऑप्शन सी में मिल रहा है। ऐसे ही आपका जो इसमें गणेश सावरकर हैं वो आपका क्या होगा, वो बी होगा, मित्र मेरा उससे संबंधित थे, और बी और आपका फोर्थ जो है बीके घोष और प्रफुल्ल चक्की। अभी भी जो मैंने बताया आपको प्रफुल्ल चक्की के बारे में, अनुशूलन समिति बताई थी कि एक तरह की बंगाल में संगठन था जहाँ पे लोगों को मानसिक और शारीरिक जो है शिक्षा दी जाती थी, तो उसी से रिलेटेड था। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आपका ए होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 10 और 12 वर्ष की आयु
कि लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने पर विरोध किया, जैसे कि आयु अधिनियम 1891 में उल्लेखित है। तो इसमें होगा बाल गंगाधर तिलक आपका आंसर। इसमें क्या हुआ था, इस विधेयक में कई रूढ़िवादी नेताओं ने किया था कि इसे हिंदू धर्म के हस्तक्षेप मानते थे, वो जो है 10 और 12 वर्ष की आयु से बढ़ाना नहीं चाहते थे विवाह की लड़कियों के उम्र। तो जो रूढ़िवादी लोग थे वो इसका विरोध किए थे। तो उसमें ही एक तरह से बाल गंगाधर तिलक भी थे, मगर उनकी ये भावना नहीं थी, रूढ़िवादी भावना नहीं थी कि ये हिंदू धर्म के, वो नहीं थे। वो चाहते थे कि जो ये उनका विरोध करने का ये विचार था कि समाज में जो बदलाव आ रहा है वो अंदर से उन लोगों के, जो समाज में लोग हैं पल रहे हैं उनके अंदर से ये बदलाव आना चाहिए, ना कि हमें करना चाहिए। वो खुद जागरूक हों कि नहीं, ये 10 से 12 साल के अंदर में कोई शादी वादी नहीं होनी चाहिए, ये उम्र खुद ही बढ़े, कि ज़बरदस्ती न थोपा जाए कोई चीज़ नियम बना के, ठीक। तो ये इसलिए इन्होंने अपोज किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। खेड़ा के किसानों की ओर से गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आयोजित करने का क्या कारण था? चंपारण के बाद जब खेड़ा के सत्याग्रह हुआ, वहाँ पे जो है इन्होंने, गांधी जी ने किस कारण सत्याग्रह किया था कि वहाँ पे जो कर था, वहाँ पे क्या हुआ था, महामारी के बाद भी मतलब फसल पैदा कम हुई थी, उसके बाद भी वहाँ अंग्रेजों ने टैक्स लेना नहीं छोड़ा था। जिस हिसाब से वो टैक्स ले रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, उसी हिसाब से टैक्स ले रहे थे। तो इसके कारण जब पैदावार हुई नहीं तो वहाँ के किसान टैक्स देने में असमर्थ थे। कैसे देते, तो वो टैक्स देना ही बंद कर दिए थे, क्योंकि उनके पास जब उपज ही नहीं रहेगी तो वो पैसा देंगे नहीं, और जब पैसा देंगे नहीं तो जो ब्रिटिशर थे उस पर अत्याचार करते थे, और अत्याचार करने लगे। तो इसीलिए गांधी जी उनके सपोर्ट में खड़ा हुए, और बाद में जब ये सत्याग्रह सफल हुआ, कंपनी ने जो है दोनों के बीच समझौता हुआ, और क्या किया, साल भर का कर्ज जो है किसानों का खेड़ा में माफ़ कर दिया कंपनी ने, और उसके बाद से उसमें रेट में भी कम किया जो टैक्स लगाया था। अगले क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो आपका ए होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने मनुचरित लिखी जो विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण प्रदान करती है? तो इसका आंसर आपका डी होगा, नायर सर्विस सोसाइटी NSS द्वारा, इसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसके होंगे मनाथु पद्मनाभा, ठीक। ये आपके मनाथु पद्मनाभा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो NSS नाम की एक जो है सोसाइटी, जो है समुदाय बनाए थे, जो क्या है सामाजिक उन्नति पर काम करती थी, कला और समाज में लोगों के कल्याण की भावना के भाव से काम करती थी। तो इन्होंने बनाया था, मनाथु पद्मनाभा ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का। निम्नलिखित बयानों पर विचार करें, शिवाजी द्वारा एकत्र किए गए 2 करों में चौथ और सरदेशमुखी थे, उधर मराठों के एकत्र किए गए थे, कि अपने स्वराज के अंदर ये दोनों लगते थे या बाहर लगते थे, इस पे आपको बोला है सेकेंड स्टेटमेंट। तो ये आप जान लीजिए कि जो ये दोनों कर थे आपके शिवाजी वाले, ये अपने स्वराष्ट्र में नहीं, स्वराज के बाहर लगते थे, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है आप, थर्ड है आपका चौथ, विशेषकर उन राज्यों से था जहाँ मराठों के प्रभाव को महसूस किया गया था और उनके अधिकार को स्वीकार किया गया था, ये भी गलत है। ये चौथ कर नहीं था, यहाँ पे जो था वो सरदेशमुखी होगा, ठीक है। तो आपका जो सरदेशमुखी कर था वो मराठों जहाँ रूल करते थे, जो उनका राज्य था वहाँ पे लगा था, ना कि चौथ लगा था। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ स्टेटमेंट है, सरदेशमुखी उन मराठा राज्यों में था जो मुगल या बीजापुर सुल्तान के नियंत्रण में आता था, तो ये गलत है। मतलब थर्ड और फोर्थ में जो है चेंज हो गया है, जहाँ पे सरदेशमुखी होना चाहिए वहाँ पे चौथ हो गया, और जहाँ पे चौथ होना चाहिए वहाँ पे सरदेशमुखी हो गया है। तो चौथ की जगह पे सरदेशमुखी होगा, और सरदेशमुखी जो है वहाँ पे चौथ होगा। चौथ ऐसा जो कर था जो मराठा राज्यों में उन जगहों पर लगता था जहाँ पे जो है मुगल शासक का, या आपका बोल सकते हो बीजापुर सुल्तान का राज्य था, नियंत्रण था। उसके बाद से फिफ्थ जो पॉइंट है वो चौथ भूमि कर का 1/5 था, 1/5 हिस्सा था। और लास्ट है कि सरदेशमुखी प्रत्येक वर्ष के व्यक्तिगत आय का 1/10 था। इसमें से आपको गलत चुनना है, तो आपका इसमें जो होगा सेकेंड, तो आपको मैंने बता ही दिया गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, और फिफ्थ भी गलत है। आपका सिर्फ सिक्स जो है आपका वो सही है, जो आपका जो दिखा है चौथ भूमि का कर 1/5, वो 1/5 नहीं 1/4 था।
और आपका जो ये सिक्स पॉइंट है वो सही है कि सरदेशमुखी जो करता टोटल जो उत्पादन होता था उसका 1/10 लगता था। ठीक, तो ये आपके 75 क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री के। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको जितने भी पेपर हो रहे हैं उनके जो है आपके सॉल्यूशन जो है वीडियो के फॉर्म में और PDF के फॉर्म में दिए जाएंगे। आपके इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन जो है डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं आपका पेपर और सॉल्यूशन PDF दोनों। धन्यवाद।